नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत स्वच्छ महोत्सव 2022 वार्डवार प्रतिस्पर्धा में स्वच्छता मानकों के दृष्टिगत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चैंपियन वार्ड पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि स्वच्छ त्योहार 2022 में वार्डों के मध्य प्रतिस्पर्धा में वार्ड की सफाई, स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समुचित प्रबंधन, वार्ड सौंदर्यीकरण, वार्ड में स्वच्छता संबंधी जन जागरूकता तथा वार्ड में नागरिकों की स्वच्छता संबंधित संलिप्तता आदि के मानकों पर कुल अंक 1000 रखे गए थे। इस प्रतियोगिता में सभी जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षक द्वारा असेसमेंट संबंधित प्रारूप के तहत अंक दिए गए, जिसके आधार पर सभी वार्डों के अंकों का तुलनात्मक जांच कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले वार्डों के पार्षद, जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षकों तथा जोनल सुपरवाइजर की टीम को पुरस्कृत किया गया। चैंपियन वार्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान सिविल लाइन वार्ड 69 रहा, जिसके लिए पार्षद अजय राय व जोनल अधिकारी श्री शैलेश कुमार को पुरस्कृत किया गया। द्वितीय स्थान पर वार्ड 68 पुराना गोरखपुर रहा, जिसके लिए पार्षद प्रतिनिधि शमीन अंसारी व जोनल अधिकारी अविनाश प्रताप सिंह को पुरस्कृत किया गया। तृतीय स्थान पर रहने वाले वार्ड 42 पुरदिलपुर के पार्षद मनु जायसवाल व जोनल अधिकारी श्री शैलेश कुमार को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, उप नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह, सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी, जोनल अधिकारी तथा अन्य नगर निगम के कर्मचारी उपमौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, शासन स्तर से यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि वार्डों के अंदर प्रतिस्पर्धा कराइए स्वच्छता के मानकों को देखते हुए। स्वच्छता के मानक के जो 5 पॉइंट रखे गए थे, उसके अनुसार सारे वार्डों में हमारे जोनल अधिकारी, जोनल सफाई निरीक्षकों के द्वारा और हम लोग की टीम के द्वारा ये असेसमेंट किया गया। हर एक बिंदु पर मार्किंग स्केल के आधार पर काम किया गया। वार्ड में जो व्यवस्थाएं थी, 5 ऐसे निर्धारित मानक थे जिसके अनुसार नंबर देना था कि उसके अनुसार वार्ड में क्या मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट को लेके, वार्ड की सौंदर्यीकरण को लेके, वार्ड में जन जागरूकता के प्रचार प्रसार को लेके, वार्ड के अंतर्गत निवास करने वाले निवासियों की कितनी वहाँ सहयोगी भूमिका है स्वच्छता को लेके, साथ ही साथ वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। इन 5 मानकों के आधार पर वार्डों के अंदर यह प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। कुल 1000 नंबर निर्धारित थे। 1000 नंबरों में आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित हैं। सारे असेसमेंट के बाद यह रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसमें देखा जाए वार्ड लेवल सैनिटेशन के लिए 200 नंबर थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ क्या स्थिति है उसके 200 नंबर थे, वार्ड ब्यूटिफिकेशन को, वार्ड में सौंदर्यीकरण के चौराहे कैसे हैं, पार्क कैसे हैं, ओपन जिम की व्यवस्था कैसी है, गार्बेज का मैनेजमेंट कैसा है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए उसमें 250 नंबर रखे गए थे। आईसी कंपेन में किस वार्ड में स्वच्छता के, जन जागरूकता के क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है उस वार्ड में, उसको भी यह निर्धारित किया गया था। इन सभी मानकों को देखते हुए 1000 नंबर रखे गए थे। इन 1000 नंबरों पे वार्ड वाइज हमने प्रतिस्पर्धा कराई और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस स्वच्छ त्यौहार महोत्सव के उपलक्ष्य में यह वार्ड का पुरस्कार का निर्धारण किया गया। कमेटी के माध्यम से तय किया गया कि इसमें वार्ड नंबर 69 सिविल लाइन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सर। हमारा गोरखपुर जो गोरखनाथ मंदिर का क्षेत्र है, 68 नंबर वार्ड है, वो भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही तीसरा जो स्वच्छता का मानक पर आया पुरदिलपुर, 42 वार्ड पुरदिलपुर को भी इसमें रखा गया था कि वहाँ भी साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, वहाँ के चौराहों की स्थिति, उसमें ब्यूटिफिकेशन की क्या स्थिति है, वहाँ गार्बेज मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए पुरदिलपुर को तीसरे नंबर पर रखा गया। जो मानक और माननीय महापौर जी के द्वारा आशीर्वचन देके इसको आगे बढ़ाया गया। एक क्रम लगा हुआ था और नगर निगम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हर त्यौहार के मौके पर पूरी तरह से स्वच्छता का प्रदर्शन करना और नागरिकों की जो अपेक्षाएँ हैं उनमें खरा उतरना। इसी को लेकर शासन के द्वारा एक नगर निगमों के जो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने, उनके भीतर एक नया जोश का संचार करने, नई ऊर्जा भरने के लिए एक स्वच्छ त्यौहार 2022 के नाम से एक वार्ड वाइज स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक वार्ड में जो सभी मूलभूत सुविधाएं होती हैं स्वच्छता के अलावा भी नालियों की सफाई, नालों की सफाई, सीवेज की स्थिति, जो हमारा कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट,
उसकी स्थिति, यूरिनल, ये सभी जो चीज़ें हमारी थी इनपे देखा गया। वहाँ स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है, वहाँ पर जो हमारे जंक्शन बने वो कैसे हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर मतलब एक टोटलिटी में कौन से वार्ड हमने कैसे कैसे काम हुए हैं, वो हमारे वहाँ पे कौन से अधिकारियों ने, कौन से हमारे कर्मचारियों ने, हमारे माननीय पार्षद जी ने कितना एक साथ पब्लिक के साथ मिलकर एक साथ मेहनत किया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। तो उसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा, एक जो हमारे 70 वार्ड हैं और अब 10 वार्ड जुड़ चुके हैं, 80 वार्डों ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक कहते स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में सबने भाग लिया, सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और खास तौर से मैंने देखा है कि जैसे सिविल लाइन तो अभी साफ कह रहे थे कि हमेशा नंबर एक रहता है, और मैं कहता भी ये हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी कि यहीं पर डीएम साहब का ऑफिस है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, कचहरी जिला जज साहब का ऑफिस है, कचहरी है, सबसे ज़्यादा लोगों का फुटफॉल यहीं से होती है, यहाँ पर उसी प्रकार से रहता है। जैसे कि आज चाहे फॉगिंग की बात हो तो भी सबसे ज़्यादा दबाव यहाँ पर है, अगर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव है उसमें सबसे बड़ा दबाव है। तो लेकिन जनरल अफसर साहब आज जो हमारे जनरल इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी सफाई कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा इसी प्रकार से। यहाँ पर आना जाना कहीं के आवागमन होता रहता है, कई बार समीक्षा के और कई बार विकास योजनाओं की जानकारी करने के उद्देश्य से, ऐसे में उस क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हर समय कि वो वहाँ पर पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे और सफाई का अच्छा मुजाहिरा हो। तो सेकंड नंबर वाली टीम भी लगातार इधर मैंने देखा हुआ, उसके लिए भी वो टीम बधाई की पात्र, और उस टीम ने सेकंड नंबर जो है सेकंड रैंक जो प्राप्त किया है। और थर्ड नंबर है हमारा जो पूर्वी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कराई, उनका पंडाल लगा हुआ था। मेरे ख्याल से पूरे शहरी क्षेत्र के जो टॉप के तीन अगर पंडाल भी देखे जाए उनमें से कोई ना कोई एक नंबर। आई भाई जोनल अधिकारी गमले साइज देखिए, देखिए ऐसी तीन नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली सर। हमारा कैमरा खराब है काज, ये घर में सर कुछ लोग उधर घूम रहे हैं, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं। मेहनत करते हैं भाई देखें ये गमला लेके काम होना चाहिए, देखता ना 5 बार देखे बाटी लेके महापौर जी तो वह बाटा ना जाता हूँ सही कर रहा है पाटी जी के घर में। सबकी गृहणियों को जागरूक करना है, पीला कूड़ा जो है वो किचन से निकलना है, तो इनको बता रहे थे जैसे जेंट्स लोग बैठे कोई फायदा नहीं। 8-10 लड़कियों को घर में जाए और समझाए काम करिए, इससे हम लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार जो है त्यौहार एक कर करके बारी बारी से पढ़ रहे हैं, और उन्हीं त्यौहारों के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में स्वच्छता की अलख जगाने के उद्देश्य से शासन ने पूरे प्रदेश में समस्त नगर निगमों नगर निकायों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से स्वच्छ त्यौहार 2022 का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी लोगों को सभी जितने भी हमारे वार्ड हैं किसी भी नगर निगम के नगर निकाय के उन सभी वार्डों के लोगों को जो वहाँ काम करने वाले अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो उनके साथ पानी पार्षद जी हैं सबको मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि जिसमें स्वच्छता की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हासिल किया जा सके। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है हमारे पिछले कुछ समय से लगातार प्रत्येक त्यौहारों में चाहे वो विजयदशमी का त्यौहार हो दिवाली का त्यौहार हो या छठ पूजा का त्यौहार था उसमें हमारे कई जो हमारे वार्डों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इसके साथ साथ वैसे तो सभी 80 वार्डों ने बहुत ही अच्छी इसमें स्वच्छता की अलग जगाई, लेकिन खास तौर से जो प्रथम स्थान पर वार्ड नंबर 69 जो सिविल लाइन्स का वार्ड है, और सेकंड नंबर पर वार्ड नंबर 68 जो कि पुराना गोरखपुर है, और थर्ड स्थान पर वार्ड नंबर 42 उर्दिलपुर है, इन तीनों वार्डों के माननीय पार्षदगण हमारे समस्त जोनल अधिकारी जोनल इंस्पेक्टर और समस्त जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत
इसके साथ इन त्योहारों में एक स्वच्छता का ऐसा मुजाहरा पेश किया है जिसकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से जो हमारे अन्य जो वार्ड के हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं इससे मोटिवेट होंगे, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो एक नई ताकत से और भी अच्छा बेहतर तरीके से सफाई के काम को कर सकेंगे।